If the equation of the tangent plane to the surface z equal to 16 minus x square minus y square at the point P 136 is this, then the value of mod d, यानी कि यहाँ पर जो d की value है उसका mod value, absolute value हमें बताना है, और absolute value जो है वो पॉजिटिव आएगी, तो सारे ऑप्शंस आपको पॉजिटिव ही दे रखे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव है और इजीली आप डिस्कार्ड कर पाएं, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो कि ये है और इस सरफेस पर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ये मान लीजिए कि फुटबॉल है और ये इसका एक टेंजेंट प्लेन है, जैसे कि आप समझ सकते हैं स्कॉलर कैप होती है, ये टेंजेंट प्लेन है। तो टेंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन है वो ये है और जो सरफेस है वो ये है, सरफेस हमारा है ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें इस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन चाहिए और फिर उस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे और इस डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आखिर फॉर्म कैसे होती है। तो एग्जांपल के तौर पर आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं और आपकी जो छत है वो एक टेंजेंट प्लेन है और इसके अंदर आप ऐसे कोई कर्व मान लीजिए, जैसे कि सपोज कीजिए ये आपका एक कमरा है और ये कोई कर्व है, ठीक है, और ये छत है आपकी, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, तो आप इसके अंदर बैठे हैं यहाँ पर तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन देख लेते हैं, इसका कैसे हम निकालते हैं टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट्स हैं दो, जिसको मैंने पॉइंट पी और इसको क्यू बोल दिया, तो इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपके वो इस तरह से मैंने डिनोट कर दिया, तो एक वेक्टर ये होगा पी क्यू, तो इसको अगर मैं आर वन और इसको मैं आर बोल देता हूँ, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, जो प्लेन हमारा कुछ इस तरह से है जिसमें ये पोजीशन वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ये हम कैसे निकालते हैं। देखिए प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर आपका कोई प्लेन है तो इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स या आप लाइन कह सकते हैं, अगर कोई एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ कर दें तो उस नॉर्मल और ये जो वेक्टर है इन सब का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, वही आपका एक प्लेन हो सकता है। यानी कि अगर कोई भी वेक्टर इससे आउटसाइड गया और ये नॉर्मल है, तो जब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आने का मतलब जैसे कि हम ए बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 अगर रखेंगे तो ये जीरो हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई वेक्टर बाहर है जो कि प्लेन में नहीं है तो उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। तो ये काम करता है टेंजेंट प्लेन के लिए। तो हमें टेंजेंट प्लेन के लिए क्या चाहिए कि एक वेक्टर जो ये हमने इस तरह से पोजीशन वेक्टर बनाया, ये आर वन और ये आर, तो आर को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर ये मेरे दो पोजीशन वेक्टर थे तो दिस, तो आर इक्वल टू पी क्यू माइनस दिस आर वन, यानी कि पी क्यू माइनस R1, ये मेरा वेक्टर R हो जाएगा, और इसका अगर कोई नॉर्मल वेक्टर अगर इसको मैं N बोल दूं तो क्या होगा, वेक्टर R इंटू एन कैप इक्वल टू जीरो, नॉर्मल वेक्टर को मैंने N कैप बोल दिया। अब जब हम नॉर्म सरफेस की बात कर रहे हैं तो सरफेस पर हमें टेंजेंट प्लेन चाहिए, तो जैसे कि कोई सरफेस है और इस पर हमें टेंजेंट प्लेन चाहिए,
सपोज करो वो टेंजेंट प्लेन हमें यहाँ पर चाहिए, तो ये जो हमने यहाँ पर पी लिया था वो हम इस पी को यहीं पर कंसिडर कर लेते हैं, जो टच पॉइंट है, जहाँ पर हमारा टच पॉइंट है उसी को हम पी बोल देते हैं, और जो पॉइंट क्यू है वो कोई अनदर पॉइंट है जो सरफेस पर कहीं भी हो सकता है, सरफेस पर या प्लेन पर। अब हम इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए क्यू पॉइंट ये है, तो पहला मैं एंगल के बेस पर और फिर मैं वेक्टर की हेल्प से बताऊंगा। तो अगर कोई ये यहाँ पर पॉइंट क्यू है तो इसका ये वेक्टर ले लीजिए आप, जो यहाँ से और यहाँ तक आ रहा है। अब इस वेक्टर का और ये नॉर्मल, जिसको हम ग्रेडियंट से बता सकते हैं, ग्रेडियंट हमें नॉर्मल देता है, तो ग्रेडियंट और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये आउटसाइड से है। और जो वेक्टर इस प्लेन में होंगे, जो वेक्टर इस प्लेन के अंदर होंगे, उसका और इसका ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहां आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एक्यूट एंगल है, जो नॉर्मल सॉरी जो टेंजेंट प्लेन और इसके बीच में आ रहा है, अगर वो धीरे धीरे अगर जीरो हो जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा टेंजेंट प्लेन है। तो ये हमने एंगल के बेस पर डिफाइन कर लिया। और आपको पहला एक मैंने ये बता ही दिया था कि प्लेन क्या है, कि सारे वेक्टर्स और उसका जो नॉर्मल वेक्टर है उनका सबका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या होगी इक्वेशन टेंजेंट प्लेन की? तो हमें दे रखा है गिवन जेड इक्वल टू 16 - x² - y², तो हम इसको लिख सकते हैं जेड प्लस x² + y² = 16। अब इसको ग्रेडियंट के फॉर्म में करने के लिए, क्योंकि ग्रेडियंट हम जो निकालते हैं वो लेवल लेवल सरफेस लेवल सरफेस के लिए निकालते हैं, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए इसको हमने एक अनदर वेरिएबल में डिफाइन कर दिया, जिसको हमने बोल दिया फाई। तो फाई इक्वल टू जेड प्लस x² + y², तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि फाई इक्वल टू 16, ये हमारा एक लेवल सरफेस हो गया है। अब लेवल सरफेस हो गया है, तो अगर ये जो लेवल सरफेस है और जो हमें पॉइंट पी दे रखा था 1, 3, 6, इस लेवल सरफेस का ग्रेडियंट अगर हम इस पॉइंट पर निकालें तो वो हमारा नॉर्मल काम करेगा। तो हम निकाल लेते हैं, पहले ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा? डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, ऐसे डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। तो यहां से 2x, 2y और 1, यानी कि 2x i कैप 2y j कैप + k कैप, ये हमारा डेल फाई आ गया है। हमें तो चाहिए था डेल फाई पी पर, तो डेल फाई यहां पर पी की वैल्यू ये x y z, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो 2y + 6j + 3 2 6, जेड यहाँ पर है ही नहीं, तो ये ऐसे रहेगा के कैप। तो हमें ये मिल गया है। अब जब हमें ये मिल गया है तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का क्या होगा? जो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट है और एक नॉर्मल पॉइंट हमें, यानी कि जो जिसको हम पी बोल रहे हैं 1, 3, 6, और नॉर्मल जो हमने ये निकाल लिया ग्रेडियंट फाइव, इसकी फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी? अगर मैं इसको ए बी सी बोल दूं, तो ए एक्स माइनस, इसको मैं x1 x2 x3 ऐसे बोल दूं, तो x - x1 + a y - x2
या आप इसको एक्स वाई जेड समझ लीजिए, और सी जेड माइनस एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ए का वैल्यू है 2, एक्स माइनस वन, एक्चुअली ये पॉइंट रखते हैं ब्रैकेट्स के इनसाइड, एक्स टू एक्स थ्री जो मैंने बोला है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं। ए यानी कि 6, वाई माइनस थ्री, और सी 6, जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x प्लस 6y प्लस 6z, और यहां से माइनस 2, माइनस 18, माइनस 6, माइनस 2, माइनस 18, माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो 2x प्लस 6y प्लस 6z माइनस 26 इक्वल टू जीरो। जो हमें गिवन इक्वेशन थी टेंजेंट प्लेन की वो क्या थी, एक्स, अगर आपने यहाँ पर इसको कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई है, तो क्योंकि इक्वेशन हमारी स्मॉल एक्स में दे रखी है, तो अगर आती है तो उसको आप स्मॉल एक्स ही समझ लीजिए। अगर आप, अगर आपने यहाँ पर कैपिटल एक्स ले लिया है और इक्वेशन आपको इस तरह से फॉर्म होगा, 6z माइनस 26, तो आप इसको एक्स मान लीजिए जो यहाँ पर स्मॉल एक्स दे रखा था। तो इसको अब इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर डी का वैल्यू आपका हो जाता है -26, लेकिन आपसे जो पूछा गया था वो तो आपसे पूछा गया था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी, यानी कि माइनस ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ -26, ये आ जाएगा आपका 26। तो आपका जो ऑप्शंस बी था, जो ऑप्शंस आपका बी था, ये ट्रू होगा।